वापस जाना, मुझे बदला लेना है। ईशा का डिसीजन था, क्या ही बोलूं। ईशा, विक्की, अंकिता, मुनव्वर, उसने बोला था कि कुछ अलग दिखाऊंगा, वो अलग आया ही नहीं अभी तक। उसका अलग आई, आयशा आई, समर्थ विक्की का चमचा बन चुका था। अनुराग सबसे ज्यादा लोग देखे, भाड़ में जाए बिग बॉस, भाड़ में जाइए शो। ईशा बिन पहने का लोटा है, कभी इधर उड़के की कभी उधर मिल। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट अ बोरिंग पर्सन इन द हाउस। क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग, इधर के उधर तो कर रहे। कन्फेशन रूम में गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है कुछ कुछ लोगों को, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अंकिता अपने पति के दिमाग से खेलती है, कोई भी कुछ भी बोलता नहीं। मैं भी वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ, मैं बताऊंगी, आज हमारे साथ है यार यही चीज उसकी फेमस हुई है, और वो है हमारे साथ, कौन है हर्ष, अब तू बता। ऐश्वर्या बिग बॉस से जैसे ही वो निकली, हमने उनको अगवा करके हमारे स्टूडियो में बिठा दिया। yes. क्योंकि हमको बहुत सारी बातें करनी थी, और बिग बॉस में जब भी हम जाते थे आप लोग हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन हमारे कान में हमको इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते कि स्क्रिप्ट के अलावा आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, कोई न्यूज नहीं दे सकते, ये वो। लास्ट टाइम तो आप लोग फोन लेके आए थे, मन हो रहा था फोन लेके कॉल कर लूं मैं सच्ची की। कर यस, हमने ब्लॉग बनाया था बिग बॉस के, तो सच में लग रहा था कि छीन के मैं इंस्टा पे देख लूं कितने फॉलोअर्स हुए। नहीं फॉलोअर्स नहीं, घर पे फोन करना था मुझे, बात कर लूं मैं कितना क्या। उन्होंने बोला भी, कहते व्लॉग बनाने के बाद आप फोन प्लीज अपनी जेब में डालना हर्ष, क्योंकि अगर किसी के हाथ में फोन लग गया, उन्होंने कुछ सर्च कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो लेके बाथरूम में भाग जाए तो जब तक हम धोनो ऐश्वर्या धोनो तब तक हाँ पापा रखती हूँ मैं, तब तक तो ये हो जाता ना। लेकिन यार ऐश्वर्या बाहर आके कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि नील अंदर है अभी तो बहुत मिस हो रहा है नील, क्योंकि पूरे टाइम मैं हमेशा उसी के साथ ही रही हूँ, शो स्टार्ट होने से पहले, फिर वहीं शादी हुई हमारी, और फिर उसके बाद से मैं साथ ही हूँ नील के, और अभी बिग बॉस के अंदर वो है, घर के अंदर मैं बाहर हूँ, तो ऐसा लग रहा है। और नो कॉन्टैक्ट। यस, कॉन्टैक्ट होता तो अच्छा होता, क्योंकि खतरों में मैं वहाँ थी केप टाउन में, तो कॉन्टैक्ट तो था ही, फोन वीडियो कॉल हो जाती थी, बट अब यहाँ पे तो क्या ही कॉन्टैक्ट होगा। मैं उसको देख सकती हूँ बट वो मुझे नहीं देख। सोचो उनका क्या हाल होता है, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकते, आप तो उनको कभी भी देख सकते हो, चाहे जियो सिनेमा में जाके या फिर कलर्स पे। बट नील, आप बताओ, आपको लग रहा है नील मिस कर रहे हैं आपको? हाँ, उसका मैंने एक्चुअली वो वीडियो देख लिया और मेरे को रोना ही आ गया उसको देख के। मैंने यार ये रो क्यों रहा है, मैं उसको बोल के आई थी रोना मत, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड जीत के आना। उसके बाद उसने जो वाट लगाई है ना सबकी, सीरियसली बड़ा गुस्से में था। और नील जैसा आदमी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे को, मैं नील भाई को मिला हूँ सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में, और फिर डायरेक्ट बिग बॉस में। अच्छा, एक ही बार मिला हूँ, लेकिन जिस प्यार से वो मुझे उस स्टार प्लस के सेट में मिले थे ना, मतलब लिटरली ऐसा लगा कि अपना कोई दोस्त है, इतने वार्म्थ, इतने इतना अच्छा आदमी है, कहाँ से मिला आपको ये, कैसे कैसे मिल, और आपने किधर कहाँ से ऐसे ऑर्डर किया आपने, अमेज़न नेटफ्लिक्स कहाँ से इतना प्रिसाइज दूल्हा भगवान ने भेजा मेरे लिए। एक्चुअली मेरे शो में मिला था मुझे, जो बोला ना मैंने गुम है किसी के प्यार में जो शो हमने किया है, तो उसी में नील और मैं मिले थे, तो वहीं से हम दोनों मिल ही गए। अच्छा, दोनों मिले तभी आग लगी थी वहाँ पे, ऐसा संगम हुआ कि पटाखे निकल गए भाई। ओ भाई, सच में जल गया। तो किसने एक मतलब प्रपोज किसने किया? एक्चुअली लाइन नील ने मारी पहले, बट फीलिंग्स मैंने एक्सप्रेस की, प्रपोज नहीं किया था मैंने, एक कन्फर्मेशन लिया था उससे कि देख आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इज इट म्यूचुअल और नॉट, क्योंकि तू मुझे सिग्नल्स दे रहा है। मैंने उसको, मैं बहुत फट में मुंह को बोल देती हूँ, मैंने देख तू सिग्नल्स दे रहा है, अगर नहीं है तो पहले बोल दे। मैं कैसे सिग्नल कैसे होते हैं? अरे जैसे है ना, केयर कर रहा था। हाँ दादा, ऐश्वर्या को भी चाहिए दो, ऐसे पास में बैठ जाएगा और ऐसे मुझे घूरेगा और ऐसे स्माइल करेगा, और बहुत बहुत ज्यादा सिग्नल्स दिए, तो कुछ भी मैं उससे पूछती थी, मैंने देखी पप्पी कितना क्यूट लग रहा है, बोले हम साथ में लेंगे, ऐसा करना था। मैंने मुझे गाड़ी लेनी, तो बोले साथ में लेंगे। तो वो बहुत सिग्नल्स दिए उसने मुझे। तो सिग्नल नहीं, ये तो कह दिया कि शादी के बाद साथ में लेंगे, वो कह दिया उसने, बट मैंने तो डिकोड नहीं किया ना। फिर बाद में मैंने जब उसको एक्सप्रेस की फीलिंग्स की, यार देख ऐसा ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स है, तुझे भी है तो तू बोल, नहीं तो फिर मैं बैकआउट कर लेती हूँ। सो ही इज लाइक कि सी, अभी मुझे बहुत सालों के बाद मुझे कुछ अच्छा काम मिला, तो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, उसने ऐसे बोला।
अच्छा ठीक है मना कर दिया उसने, मुझे तो नहीं लगा कि उसने मना कर दिया। तो मैं इतना हंसी ना उसके बाद, लड़कियां रोती है और मैं हंस रही हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने क्यों बोला यार। मैं फिर इसको सारा लगा हुआ कि वो सिग्नल नहीं थे, वो शायद मुझे एक बहन की नजरे से कह रहा था हाँ मैं तुम्हें देखे दू, है ना, ऐसा होता है कि सारे सिग्नल हाँ? गलत हो गए। बोले यार ये क्या हो गया, मैंने गलत डिकोड कर लिया। फिर नेक्स्ट डे अब उसको पता चल गया, क्योंकि एक्चुअली जब ऑफिस में हम मिले थे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम, तो मैं उसको बहुत पसंद आई थी और उसने घर पे जाके मम्मी को बोल दिया कि आई रियली लाइक हर। तो मम्मी ने पूरा मेरा हिस्ट्री निकाल लिया कि अच्छा इंस्टाग्राम पे पूरा चेक किया कि डांसर भी है, इंजीनियर है, सिंगर है, तो ये अच्छी लड़की है, एजुकेटेड है, नील यू शुड गो फॉर हर। मम्मी ने खुद ने परमिशन दे दी उसको। तो जो पहले से जो सब होता है हाँ, वो सारा वो पहले कर चुका था हाँ, विदाउट आपको कोई भी पता। एग्जैक्टली वो सब चीज मुझे बाद में पता चला जब फाइनल कन्फेशन हम दोनों का हुआ, जब दोनों की लाइकिंग स्टार्ट हो गई, उसको भी पता था मुझे भी पता था कि हाँ वी लाइक ईच अदर, हम बोल नहीं रहे थे, पर फिर एक दिन बोल ही दिया कि क्या है फिर फाइनली है या नहीं है, खत्म करो, नहीं है तो मैं जाती हूँ, है तो बोलो। तो देन ही सेड कि आई वांट टू गेट मैरिड ओनली, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डेट एंड ऑल, सो जो भी है शादी करूंगा बस। सो मेरा भी यही था, मैं आई आल्सो वांट टू गेट मैरिड, चलो शादी करते हैं। ये शायद गुजराती लड़कों में ज्यादा होता है। जब मैं भारती को मिला था ना तो मेरा भी बहुत क्लियर था कि भारती क्या हम शादी करेंगे, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी स्टार ना मैं राइटर, तो मैं बोला कहीं तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक तो नहीं दोगी। अरे भाई तो मेरे लिए ऐसा था क्या, अरे कितना बड़ा, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके, मैं आप फेंकना चाहती हूँ, मैं कहाँ फेंकूँ। तो मेरा भी ऐसा ही था। आपका क्या था, आपको था कि डेटिंग करे जाने फिर शादी? मुझे भी शादी करनी थी, चलो शादी करो खत्म करो यार, कौन इतना डेट वेट करे एंड ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे भी, तो कर ली हमने। उसके बाद आप दोनों ने बिग बॉस में जाने का एक साथ फैसला कैसे लिया? एक्चुअली बिग बॉस पहले मुझे ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी में, जब बिग बॉस खुद आए थे मुझे बुलाने में, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यार लड़की ने खतरों के खिलाड़ी में, सच में, मतलब हम मैं इतना देखती थी, बच्चा था बच्चे के साथ, लेकिन लगते ऐश्वर्या जीत सकती है ऐसा होता था। मैंने फिर देखा भाई मैं कौन, मैं ये तो बहू बनती स्टार प्लस में, ये उधर जाके लेगिंग पहन के खतरों के खिलाड़ी। वो तो बहुत अच्छी जर्नी थी मेरे लिए, और आई एम रियली थैंकफुल टू एंडेमोल एंड कलर्स चैनल की इतना मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और बिग बॉस साथ में। सो इंडिया की सबसे बड़े दो रियलिटी शोज। अच्छा ऐश्वर्या और नील, आप क्या हो, मराठी गुजराती दोनों क्या हो? नील गुजराती है, ब्राह्मण ही है, मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम फ्रॉम MP। ओके, तो हाँ तो वो गुजराती है। हाँ जी, गुजराती लड़के दूसरी लड़कियों से झट से शादी कर लेते क्योंकि हम दूसरी लड़कियां होती इतनी प्यारी। तो आप दोनों साथ में कैसे आए? बिग बॉस मुझे पहले ऑफर हुआ तो मैंने सोच लिया था कि हाँ आई विल डू इट, क्योंकि मुझे ऑफर आया है। पहले थोड़ा मतलब लगा टाइम मुझे सोचने में कि नहीं यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फिर बाद में फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है। फिर आई वेंट फॉर मीटिंग, तो उन्होंने फिर पूछा कि नील मुझे पिकअप करने आया था, तो दे आस्क्ड मी इज नील इंटरेस्टेड, मैंने बोला नो खुद ही करना था। नहीं नील ने कभी सोचा ही नहीं, इवन मैंने भी नहीं सोचा था बिग बॉस का हमेशा से कि नहीं यार ये सब नहीं है, हम नहीं कर सकते इतना झगड़ा वगैरह। तो नील को भी फिर वापस बुलाया, मतलब हम दोनों को साथ में फिर मीटिंग हुई, देन वी थॉट अबाउट इट, देन वी केम ऑन सेम पेज। बट नील का थोड़ा सा डाइसी सा ही था हमेशा से कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फिर एंड में उसने भी हाँ ही बोल दी, मैंने चलो ठीक है मैं तुझसे दूर तो नहीं रह पाऊँगा, लेट्स गो टुगेदर। बट क्या बिग बॉस में आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ जब होते हो, स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है? स्ट्रेंथ होती है। यस यस डेफिनेटली, वीकनेस तो नहीं, नहीं। बट अभी कोई आपके पार्टनर को कुछ बोल देगा और आपको भी वो बुरा लगेगा, आप समझ रहे हो? इसीलिए तो लड़ती थी मैं। वैसे आप मुंह फटे। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, कोई बोल देता तो मैं एकदम से नहीं, आपका क्या निकल जाता है या क्या है? ऐसा कहा नहीं कि कभी रोक लो, तुरंत ही निकल जाता, टेलीकास्ट भी नहीं होता पहले निकल जाता है। हाँ टेलीकास्ट होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है, पर बहुत कंट्रोल किया है मैंने। ये कंट्रोल था ऐश्वर्या का, हमको डरा के रख दिया पूरे चैनल को, ये कंट्रोल था ऐश्वर्या? ऐसा होता कि मैंने बोल दिया और बाद में होता यार क्यों बोला? नहीं
नील के साथ हुआ मुझे, यस मैंने उसके साथ जो गुस्सा किया नील के ऊपर गुस्सा किया, तो मुझे बुरा लगा कि यार मैंने ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज बंद कमरों में जो झगड़ा होता है और नेशनल टेलीविजन पे झगड़ा हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा हो गया कि यार क्या कर दिया, बट उसके बाद मैंने काफ़ी सुधार किया. और उसके बाद जो नील की फैंस लड़कियां बड़ी है ना, कि काश मैं इसकी बीवी होती, मैं कभी ऐसे बात ना करती, मैं ऐसे उसको हक कर लेती. ग्रीन फ्लैग मिले मेरे पति को. हाँ ये देख लो, मैं कभी नहीं तुझे ऐसे लड़ूंगी ताकि तेरी कोई लड़की दीवानी ना हो. तू और प्यार से बात करेगी भारती. हाँ तू मुझे मारेगा भी तब भी कर देगी. लेकिन सच में याद आती है नील के बीच बीच में? बहुत, तो यार बहुत याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ. मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली वो फुटेजेस उसकी ना, ऐसा हो रहा है कि यार मत रो, तो मत ही रो, मैंने तेको बोला था कि मत रो ना. पर मेरे पास एक आइडिया है अपनी आवाज़ उस तक पहुँचाने का. आप बिग बॉस के सेट के पास से गाड़ी तेज करके निकलना, अपने मैनेजर को बोलना और बोलना नील मैं ठीक हूँ. मैं कर सकती हूँ ऐसा. और मैंने एक बार किया था, एक बार नहीं, नॉट विद नील, मैंने एक बार किया था. हमारा एक को एक्टर था शो में, वो मराठी बिग बॉस कर रहा था. हमने, आप बताओ. तो मैंने मतलब मेरे सेट के पास ही था मराठी बिग बॉस का सेट, तो मैं उधर से गई और मैंने बोला आदेश, चिल्ला के वहां से निकल गई. हमने खुद ऐसा किया जैसे कि मैं सच में कह रही हूँ, मास्क लगा लो नील, बाहर सब ठीक है. दूसरे चक्कर में वो मैनेजर बताएगा अब ये लाइन बोलना. हाँ अच्छे दिख रहे हो. ऐसे छह चक्कर में उस तक बात पहुंच जाएगी ऐश्वर्या. मैं वही बोलूंगी तो अंदर जा, मैं आई थिंक मुझे काटना पड़ेगा चक्कर. और जैसे ही पकड़ी गई रोने लग जाना. क्या ना मैनेजर लोग करवाते हैं. मैनेजर का नाम लगा, यही कह रहा था घर से कि बोल बोल. लेकिन आप दोनों की बड़ी प्यारी जोड़ी है. मतलब सच में मैं हर्ष को बोलती थी कि पति पत्नी अगर दोनों गर्म हो गए ना तो आग लग जाएगी. एक गर्म और एक नरम होना चाहिए. जैसे इतना गर्म होती थी ये, और वो बाबू इतने प्यार में इतने गुस्से में वो लड़का बाबू कह रहा है ये चुप कर जा, ऐसा होता है पापा. ये इतना भड़क रही और बाबू बाबू चुप कर जा बाबू. बट वो घर में सच में ऐसा होता है ना कि आप कितना भी कर लो कंट्रोल नहीं कर सकते. नहीं, नहीं. आपका एक ऐसा रूप उस शो में दिख जाएगा जो शायद आप नहीं दिखाना चाहते. हाँ यार उस घर में ऐसा इंसान के ऐसे रूप होते हैं, मेरे भी हैं, भारती के भी, हम सबके ऐसे रूप होते होंगे जो हम शायद पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते. क्योंकि आप रहे तो घर में ही रहे हो ना, घर ही है वो एक तरह से. अब इतने टाइम आप घर में ही रह रहे हो तो वो तो सारी चीजें होंगी जो होती है. आपका जो एलिमिनेशन हुआ वो बहुत अनफेयर था आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा अनफेयर था, क्योंकि वो रूल ब्रेकिंग के आधार पे तो मैं तो रूल ब्रेक करती ही नहीं हूँ ज्यादा. करेक्ट. वो इंग्लिश में बात करने वाला था बट डजेंट मैटर यार इंग्लिश. वो आप किसी को धक्का दे रहे हो, आप प्लेट तोड़ रहे हो, ये आता है रूल ब्रेकिंग के अंदर. जो आप बाहर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ये रूल ब्रेकिंग के अंदर आता है. मतलब आप सो रहे हो वो रूल ब्रेक्स के अंदर आता है. पता नहीं यार ईशा का डिसीजन था, क्या ही बोलूँ उसको मैं. कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं बाहर बैठी हूँ. अगर अंदर जाने का अभी दोबारा मौका मिला ऐश्वर्या, तो किस किस के साथ डिस्टेंस रखोगी और किसको हक करोगी अच्छे से कि ये अपने हैं? मेरा डिस्टेंस तो सबके साथ ही था. हाँ, क्योंकि मैं मुंह पे बोलती थी ना तो बुरा लगता था लोगों को, और सबने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था मुझे. तो ईशा स्पेशली अगर गई वापस तो ईशा, विक्की, अंकिता, मुनव्वर, इन लोगों से तो मैं दूर ही रहने वाली हूँ. ये चार लोग मेरे लिस्ट में. और समर्थ, सॉरी मैं उसको कैसे भूल गई. समर्थ भी बहुत परेशान करता था. समर्थ एक्चुअली वो विक्की का चमचा बन चुका था अभी एंड एंड में. दोनों, अच्छा. ईशा और समर्थ दोनों. ओ. वो बहुत ज्यादा कि ग्रुप में बैठ के पोक करना, इंस्टिगेट करना, अरे रे ऐसे करती थी ईशा. और उसको नील को बिग बॉस ने बहुत बार बोला है मेरा सबसे सुलझा हुआ ओबीडियंट स्टूडेंट. तो नील पास भी हो रहा होता था तो बोले देखो ओबीडियंट स्टूडेंट जा रहा है, अरे रे ओबीडियंट स्टूडेंट जा रहा है. वो बहुत पोक करते बहुत ज्यादा. सो उनका ये चालू रहता था चारों लोगों का. तो बोले यार ये मुझे बोलते थे कि ये तो केजी की बच्ची है, बड़ी हो जाओ. मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी तो सेम हरकतें कर रहे हो. अंकिता और विकी के साथ इनिशियली आप लोग की अच्छी बॉन्डिंग थी. जब आप लोग पार्ट वेज हो गए, एट द सेम टाइम हम जब शो देखते हैं ना एक घंटा देखते हैं, आप 24 घंटे, तो 24 घंटे में से हमको वो एक घंटा काट के दिखाया गया है. रियल क्या था एक्चुअली अंदर ना, जब विक्की अंकिता के साथ ऐसे तो मुंह पे तो अच्छे से रहते थे, बट वो पीठ के पीछे जाके हमारे बारे में बातें करना. और विक्की भैया का एक वो मैनिपुलेशन वाला गेम चालू था शुरू से, नंबर गेम, कि चलो मैं इसके साथ भी अच्छे से रहता हूँ, इसके साथ भी अच्छे से रहता हूँ, और सब मुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे, वैसा वाला.
तो वो वाला उनका था, किसी का झगड़ा भी हो जाता था ना तो वो दोनों तरफ जाते थे बातें करने और फिर दोनों का झगड़ा करवाते थे और फिर उनकी तरफ से भी वो साथ में और इनकी तरफ से भी वो साथ में, तो इट्स लाइक डिवाइड एंड रूल वैसा वाला था उनका। तो आपको वो बात, मैंने तो बोल दिया था विक्की भैया को, आई कैन नॉट बी योर पपेट, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं आपके उंगलियों पे नहीं नाचने वाली। इसीलिए तो डिस्टेंस मेंटेन उन्होंने की थी कि चलो पता है यहाँ पे दाल नहीं गलेगी तो कहने दे, ये बार बार सच बोल देगी। हाँ और मुझे ये बताओ कि अरुण जी कहाँ है, वो है बिग बॉस में? हाँ हाँ दिखते नहीं ना बीच में, अरुण जी बीच बीच में बैगन बैगन दिखते हैं और वो अभी तक भी बिग बॉस में है। हाँ हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए बिग बॉस में अभी भी, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अरुण जी का अभी तो वही बैगन बैगन ही चल रहा है, बट देखते हैं बैगन कितना आगे तक। आप नहीं जाते तो कौन जाने वाला था? मेरे ख्याल से अनुराग, रूल ब्रेकिंग के आधार पे था तो अनुराग, क्योंकि अनुराग ने बहुत सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किए। अच्छा उन्होंने बहुत बदतमीजी भी की है शुरुआत में, भाड़ में जाए बिग बॉस, भाड़ में जाइए शो, जिस तरह से उन्होंने बोला है और जो भी धक्का वक्का दिया है, वायलेंस वगैरह हुआ है, सो उसके आधार पे तो अनुराग। बहुत बार हर सीजन में आई थिंक कभी ना कभी किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट के साथ ये जरूर होता है कि उसका इविक्शन बहुत अनफेयर होता है। जैस्मिन भी जब निकली थी तो मतलब हम सब ऐसे हो गए थे कि यार क्यों, और जैसे ही आपका हुआ तो मेरे लिए ऐसा हुआ कि इस हफ्ते ऐश्वर्या एलिमिनेट हुई है। हाँ मेरे को ये पता ही नहीं कि ये, फिर जब अब देखा पूरा, सिर्फ ईशा ने ही डिसीजन लिया कि भाई इनको जाना चाहिए और बिग बॉस ने, बिकॉज वो कैप्टन थी, अगर ईशा नहीं होती, वो पावर दी थी बिग बॉस ने ईशा को ताकि वो ठीक से यूज करे, बट उसने कुछ गलत किया है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता, पावर बड़ी मिल जाती ना आपको, हाँ। समझ नहीं आता क्या करे, सिर पे चढ़ जाता है। तो उसने बोल दिया जिसकी मेरे साथ बनती नहीं मैं तो उसको ही निकाल लूंगा, बोला था ना ये, उसने बोला मैंने प्रोमो में देखी थी ये लाइन, दैट्स व्हाई इट इज अनफेयर, आप बनती नहीं बनती, और बनने वाला बात नहीं था एक्चुअली। ईशा को कहीं ना कहीं वो है ना रियलाइजेशन हो गया होगा कि ऐश्वर्या ना बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि मेरे झगड़े हो रहे थे उससे, मेरे झगड़े हो रहे थे अंकिता से, और मेरे मुद्दे बहुत क्लियर होते थे, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करती थी जो भी था, और मैं हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज राइट कि मैं सही चीज़ों पर बात कर रही हूँ, सही चीज़ों का स्टैंड ले रही हूँ, और ईशा को वो बात बहुत चुभी थी वहीं कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने मुझे हटाया। अभी उसने मुझे निकाला, अभी वो अंकिता से कर रही है अंदर, सो ईशा, पर वो तो दोस्त थे ना, क्यों भी नहीं, वो ईशा बिन पहने का लोटा है, कभी इधर लुड़के की कभी उधर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, शी इज नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्दी। कल मेरे साथ थे, आज अंकिता के साथ थे, अभी मनारा के साथ है, तो पता नहीं अब क्या होगा उसका। मुनव्वर का क्या 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 चल रहा है? मुनव्वर का क्या है तो हम भी भाई के क्या और यार ऐश्वर्या ने तभी भी मुंह फट वाली बात की थी, ये तो एक्टिंग कर रहा है यार, ये तो एक्टिंग कर रहा है, लड़की किसी के दिल पे ऐसा हो रहा है, ये तो एक्टिंग कर रहा है। मैंने तो बोल दिया था गेम गेम गेम, जो मुझे बोलता है कि आपका कोई गेम नहीं है, तो मैंने तो बोल दिया था तेरा क्या गेम है, तेरा तो फ्लैट लाइन है, जो बोला भी है सर ने भी बोला है वीकेंड के बार पे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट अ बोरिंग पर्सन इन द हाउस। क्योंकि उसने बोला था कि मैं एक अलग गेम दिखाऊंगा, जो मैंने अपने पहले शो में कर दिया था, मैं सेम नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग दिखाऊंगा, और वो अलग आया ही नहीं अभी तक, उसका अलग आई आयशा आई। तो मुनव्वर ने सही कहा फिर, तो पता नहीं, तो जब से आई है वो तो मतलब तहस नहस हो गया है उसका तो दिमाग। सच में तब आप लोगों को उस पे तरस आया था कि क्या हो गया? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आया, मुझे तो शुरू से लगा था ना क्यों एक्टिंग कर रहा है, मुझे एक एक पल के लिए लगा था, फिर मुझे ऐसा लगा हाँ ठीक है, फिर वो बाद में दोनों को जब साथ में देखा और जब मुनव्वर उसकी बात मानने लगा और उसकी एक एक चीज़ में उसकी पसंद का शर्ट पहनने लगा, उसको खाना देने लगा हाथ से, उसका खाना गर्म करने लगा, पूरे टाइम स्पेंड कर रहा उसके साथ, तो फिर मुझे लगा कि अरे भाई साहब ये तो कुछ तो मतलब इनका अलग ही चालू है, तो नाटक कर रहा है। ऑब्वियसली जो भी इंसान कोई भी शो में जाता है वो अपनी पूर्व तैयारियाँ करके जाता है, आप उनको कुछ भी बोलो कि प्लानिंग करके गए हो, ये करके गए हो, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई बस में भी चढ़ने वाला हूँ ना तो मैं उस बस का रूट देखूंगा, बिकॉज भाई कैसे चला जाऊंगा। आपने जो भी तैयारी की होगी, जो भी मेंटली, वो सब धरा का धरा रह जाता है उस घर में, ऐसा होता है? मैंने तो इसीलिए तो तैयारी नहीं की क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं शो, एक सीजन देखा ना नील ने देखा, मैंने एक सीजन देखा था, और जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मेरे को ये प्लानिंग वानिंग नहीं आती करना, मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज बनाना। मैंने जब खतरों के खिलाड़ी किया था ना तो मैंने सच कहूं मैंने खतरों के खिलाड़ी ऑलमोस्ट नहीं ही देखा, मैंने भी नहीं, वो भी नहीं देखा था मैंने, एक सीजन ही देखा वो तो। आप बड़े नेचुरल लगते हो इसीलिए, जैसे मैंने और भारती ने एक बार प्लान किया था, अगर जब हमको बहुत बोला था ना तो मैंने बोला था कि भारती
इफ अगर हम बिग बॉस में गए तो हमारा एक वर्ड होगा, सेफ वर्ड, वो वर्ड हम यूज करेंगे, फिर हम लोग दोनों चुप हो जाएंगे, बिकॉज हमको पता है कि अब हमको नहीं झगड़ना है। नहीं यार, वो तो मैंने भी नील ने सोचा था कि हम कोशिश करेंगे शांत रहने की, पर वो होता नहीं है, पर मैं स्पेशली तो मैं तो क्या ही हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ऐश्वर्या, उधर तो कितने सारे लोग थे जो आधा नील को पकड़ते थे, आज उनको घर में तो दो ही लोग होते हैं, तो किसको कौन मतलब कैसे पकड़ते हैं दूसरे को? कुछ नहीं पकड़ते रूम में, मैं तो सो जाती हूँ अपना गुस्सा करके, वो भी सो जाता गुस्सा करके, फिर उठो तो फिर है फिर ठीक होते हो चाय पे सुबह? नहीं, थोड़ा सा मुंह चढ़ा हुआ रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे, वही करता है, मैं नहीं करती। भी अंदर है वो, और फिर उसका नाम लगाई जा रही है, वही करता है, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, और मैंने बोला ना मैं सही होती हूँ बहुत बार, और मुझे लगता है कि क्यों कर रहा है ये जबरदस्ती का, तो पता नहीं मैं आइटम ही मैं लगी। आप लोग के मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? ऑब्वियसली लगा तो होगा कि यार ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ना हमको ऐसे झगड़ते हुए कभी। नहीं, और पता है मैं बोलता हूँ झगड़ते हुए देख भी लिया, वो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ झगड़ते नहीं, मुझे लग रहा है कि वो भी डर गए हुए हैं कि भाई ऐसे तो नहीं दे है ना, क्योंकि उनके सामने कभी झगड़े नहीं हो, और हम लोग कमरे के अंदर भी मतलब ऐसा वॉल्यूम कम करके ऐसे ही दबी हुई आवाज में झगड़ा करते। तुम जब घर आई है तो सास ने ऐसे तो नहीं पानी दिया बेटा, पानी ऐसा तो नहीं होगा बेटा यार, शी सो स्वीट। जब वीकेंड के बाहर पर डांट पड़ी उसके बाद मैं समझ गई, मतलब मैं ही बेवकूफ दिख रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। हाँ, सलमान सर ने पूरा एपिसोड मुझ पे पूरा एपिसोड चलाया था, तो मुझे डांट लगी मुझे और विक्की को, बट स्पेशली मुझे, मतलब मुझे बोल के वो सेम चीज विक्की आप भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, वो चीज ध्यान में रखी और सुधार किया मैंने, तो उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई प्रोमो नहीं कटा मेरे झगड़े का, थैंक यू सो मच। मैंने आपको चांस नहीं दिया। ये तो सही है। इस सीजन के बिग बॉस में समझ नहीं आ रहा कि कौन आगे जा रहा है। आपको अंदर रह के किसकी गेम स्ट्रांग लगती है? तारे मुझे किसी की गेम नहीं लग रही थी, सब वो गेम 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 क्या है, गेम क्या है कर रहे हैं, मैं क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग, इधर के उधर तो कर रहे हो चुगलीखोर, वो कह रहे हैं इस घर में इधर बस झगड़ा करते हो, चुगली करते हो, फिर वापस बैठ के बातें करते हो, ये करते हो, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोग झगड़ा कर लेते फिर वापस आके बात कैसे कर लेते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो बहुत टाइम लगता है ऐसे समझने में चीज़ें कि यार ये बात कर रहे हैं, अच्छा मुझे भी करनी पड़ेगी क्या? मैं भी हो जाती थी, अच्छा बात करनी है। तो इतने सारे लोग होते हैं तो बिग बॉस के घर में सबसे बात हो जाती है? हाँ, पूरे दिन में, क्योंकि क्या है वहाँ पे, मैंने वही रिंकू जी को भी मैंने जब बात की उनसे एक बार, तो मैंने उनको ये बोला कि यार मैं बाहर ना ऐसे बात नहीं करती हूँ किसी से, मेरा झगड़ा भी हो जाता है, झगड़ा क्या मेरा तो मतलब ऐसे हो जाता है कि नहीं पसंद इंसान सर छोड़ बात ही नहीं करनी है, अब वहाँ पे तो मजबूरी है आपको उस घर में रहना है, कोई एस्केप ही नहीं है, आपको तो दिखेगा वो इंसान 24/7, वो पता नहीं 3-3.5 महीनों तक, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार ओके इसके साथ ही रहना है, चलो ठीक है कर लो बात, अब क्या ही करना है वैसा वाला, बट वो मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट तो सबकी ही रहती है, बट मेरा तो मुंह पे था मैं नहीं पसंद तो रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो। विक्की भैया ने बड़ा ट्राई किया है रिश्ता बना रहे हैं, हाँ और ऐश्वर्या जी उनके वो मुँह पे अच्छे बनते हैं, वो पीठ पीछे कुछ मेरे जाने के बाद कितने खुश हुआ आपको पता नहीं है? बहुत खुशी हुई उनको मेरे जाने के बाद। यार जैसे अंकिता बोलती रहती कि विक्की उनको अकेला छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो सच में ऐसा आपको लगा अंदर रह के कि विक्की बाकी लोगों के साथ है और अंकिता अकेली बैठी है? आई थिंक शुरुआत से सोच कर ही आए हैं कि हमको क्या करना है, जैसे बिग बॉस बोलते हैं कि रटा रटा आया चाट के आए हैं, वो वैसा गेम मत खेलो, वही सेम विक्की भैया कर रहे थे, आते ही उन्होंने चालू कर दिया लोगों से मिलना, बातें करना और अपना वो अलायंसेस बनाना कि हाँ ठीक है चल तू मेरी तरफ, तू मेरी तरफ, तू मेरी तरफ, नीलेश्वरा तरफ नहीं है, चलो ठीक है जाने दो, दो लोग का वोट नहीं मिलेगा बाकी सबका वोट मिलेगा। सो विक्की भैया का वो था, अंकिता को भी विक्की ने यही बोला कि तू भी कर, तू भी बात कर लोगों से, तो उसने भी स्टार्ट कर दिया, वो भी सबसे अच्छे से बात करने लगी थी, उनका जो एक पैटर्न है मैं बहुत अच्छी हूँ दिल की, दिल से खेलती हूँ, पर बिल्कुल नहीं खेलती वो दिल की, वो अपने पति के दिमाग से खेलती है। बिग बॉस के घर में बहुत लोग ये बोलते हैं, हमको ही बोलते हैं, जैसे हम खतरों के खिलाड़ी में जाते थे तो हमको बोलते थे कि अरे सांप असली होते हैं क्या, स्टंट सच में करने पड़ते हैं क्या, वैसे लोग बोलते हैं बिग बॉस में स्क्रिप्ट होती है, बिग बॉस में मुनव्वर का फेवर लिया जा रहा है, बहुत सारे हैं। और अच्छा मैं सलमान सर के कमेंट में देखता हूँ इंस्टाग्राम के लोगों के, वहाँ पर स्टॉप सपोर्टिंग मुनव्वर, आप बायस है बायस है, आपको ऐसा लगा कि मुनव्वर को बायसली सपोर्ट किया जा रहा है? देखो बिग बॉस इस सीजन में बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया, डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बार बायस रहूँगा, तो फिर उस पर क्वेश्चन करना तो बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से, करने का मतलब ही नहीं, उन्होंने बोला बायस्ड हूँ तो है, कुछ कंटेस्टेंट्स लगते हैं मुझे उनके टूवर्ड्स बायस्ड हैं बिग बॉस। गेम में हम बायस हो सकते हैं, एक होता है कि शो में आपको समझ आ रहा है, आपको फील आ रही है ये मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है,
अच्छा ये उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा है, ऐसा आपको कभी भी लगा? कन्फेशन रूम में गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है कुछ कुछ लोगों को कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा कभी एज सच नहीं बुलाया गया। तो मुझे तो लगा था कि मेरे टू वर्ड्स कुछ है नहीं, जो है मैं हूँ, खुद से जो भी करना है खुद से ही करना है, तो वो समझ आ जाती है चीज़ें इजीली। और मैंने सुना है कि वहाँ पे थेरेपी भी होती है आप सबकी, साइकोलॉजिस्ट आता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा? नहीं, नहीं नहीं, वो बिग बॉस ही होते हैं। मुझे नहीं बुलाया गया, नील को बुलाया था और अंकिता को बुलाया गया 2-3 बार। क्या थेरेपी कैसे देते हैं, बात करते हैं उनसे? गाइडेंस ही होता है एक तरह का कि आप जस्ट लाइक कन्फेशन रूम, आप खराब दिख रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करो, ऐसे आप गेम मत खेलो, ये गाइडेंस होता है एक ऐसा फीडबैक तरह का कि आप। मुझे लगा मसाज भी साथ थेरेपी। अरे थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी नहीं भाई, मेंटली थेरेपी। तो आपको कभी बुलाया नहीं वहां पर? नहीं, एक बार मुझे और नील को वो एक्टिविटी एरिया में बुलाया था, वो एक तरह की थेरेपी थी कि हमको समझाए कि आप लोग गुम हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहे, तो आप कुछ कीजिए, मतलब एक्टिव रहिए वैसा वाला। सो हाँ एक बार हुआ था। तो फिर बाहर आके लोग पूछते क्या बात हुई? नहीं नहीं, वो जो हमको बुलाया था वो टेलीकास्ट हो जाता है, वरना कभी कभी बुलाते वो टेलीकास्ट नहीं होता, वो समझाने के लिए होता है कि आप ठीक नहीं कर रहे। ऐश्वर्या अभी मौका मिले कि यहाँ से छूट के फ़ोन आ जाए, कल आना है आपको अंदर, चले जाओगे? तो मेरा 50-50 हो रहा है। मैंने तो जब निकली थी तब मैं बड़ी फ्रेश थी दिमाग में कि हाँ यार मैं वापस जाऊंगी, मैं तो वापस जाना है, मुझे बदला लेना है। क्या करना है? बदला लेना है, बदला। ये घोड़े में जाएगी मशाल लेके, फूल का भी जब बन जाए। नहीं, विंग्स वाला जो लगा हुआ है बिग बॉस के घर में। सच में ऐश्वर्या जाओगी तो लोगी बदला? हाँ बिल्कुल लूंगी ना, मुझे किसे निकाला उन्होंने, मतलब ईशा ने। और अगर आपको मौका मिले इस बार जाके ईशा को वोट आउट करने का तो करोगे? ऑब्वियसली करूंगी, क्यों नहीं, वोट आउट मैं निकालूंगी। ऐश्वर्या किसको निकालना चाहते हो, मैं भी ऐसे बोलूंगी, कोई सा भी रूल हो, आई डोंट केयर, ईशा गेट आउट। नील ने हालत खराब कर दी, नीले कर दिया सबको उधर, उसने बीवी चली गई भाई, वो डांटा सबको बहुत बहुत भड़का था नील। आपको अनुराग के गेम के बारे में क्या कहना है? अनुराग शुरू से मतलब बिग बॉस के अगेंस्ट ही रहे हैं, उन्होंने टीवी वर्सेस यूट्यूबर वाला कुछ तो झगड़ा किया था। अच्छा। अंकिता के साथ वापस उसने वीकेंड के बारे में फर्स्ट टाइम ये बोला था, ये तो क्या कपल वर्सेस कपल चल रहा है क्या, और कुछ चल नहीं रहा है, ये तो इतने बायस्ड है, ये तो ऐसा कर रहे हैं, और बहुत बदतमीजी की है उसने। तो बिग बॉस ने कॉल आउट की थी सारी चीज़ें कि अनुराग के बारे में कि आपने क्या क्या किया है, हम बताते हैं आप क्या कर रहे हो शो में। सो ये सब किया था, फिर झगड़ा करना और बहुत सारी चीज़ें। बाकी उसका कुछ गेम नहीं है, वो खुद ही बोलता है कि क्या गेम है ये, गेम गेम कर रहे हैं, क्या गेम है। क्योंकि मैंने भी बात की अनुराग से, मेरा अच्छा खासा बॉन्ड था उससे, मतलब अच्छा खासा ऐसे, मतलब हाँ एक नॉर्मल तो कर लेते थे अच्छे से बात। हाँ अच्छे से बातचीत करता, वो मेरे को पिकाचू बोलता है वो। हाँ नॉर्मली बात करता था, बट जब बात रूल ब्रेकिंग की आई थी इविक्शन के टाइम पे, तो थोड़ा सा, और अनुराग को हाँ आउट होना चाहिए था उसके बेसिस पे, बट ईशा ने मुझे किया। और मैंने पूछा भी था अनुराग से जाने से पहले कि आर यू सॉरी फॉर योर डूइंग्स, तो वो बोलता कि नहीं मैं नहीं, मैं जब तक बाहर नहीं जाता मैं देख नहीं लेता मैंने क्या गलत किया है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, ना सलमान सर को ना बिग बॉस को, राइडर ना। हाँ तो उसका वो एटीट्यूड और थोड़ा सा वैसा सा लगता था कि यार why he is doing that। हमने तो ये भी सुना है कि उसका वास्तु जान के खराब करते ताकि उसमें झगड़ा हो। ये बात मैंने भी सुनी, पर मुझे पता नहीं, थोड़ी सी कोई बात बोलो तो आपको ज्यादा लग जाती है और आप ज्यादा बोलते हो। मैं तो ट्रिगर हो जाती हूँ। मैं कंट्रोल करती हूँ, पहले तो मेरा पाइल अप होता है मेरा गुस्सा, वो शायद दिखाते नहीं होंगे 1.5 घंटे के एपिसोड में, क्योंकि एक बार कोई बोलता है तो मैं इग्नोर करती हूँ, फिर दूसरी बार बोलता है तो भी इग्नोर, तीसरी बार बोलता है तीसरा ही दिखाया सीधा, चौथी बार बोलता है तो भी, पांचवी बार में मैं फटूंगी। वो पांचवी बार वाला बताते हैं ना, जब सेम नील के साथ भी मेरा यही हुआ था कि पहले मैंने ठीक है मैं कंट्रोल किया, दूसरी बार भी कंट्रोल किया, फिर बाद में जब ब्लास्ट हुआ ना तब वो ही बताया। तो बिग बॉस में जब आप जाते हैं तो हम अपने पति के साथ ही सो सकते हैं? हाँ, पति पत्नी अगर एक एक जगह पर है तो वो अलग अलग क्यों सोएंगे? मैं अपना बता रही थी कि मैं जाऊंगी तो ऐसा करूँगी। नहीं पर एक उसमें हो गया था ना जहाँ पे मैं दिमाग के कमरे में थी और नील दिल में था, तो बिग बॉस ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपका पार्टनर इस रूम में है तो आप उसके पास जाके सो सकते हो, क्योंकि पहले अंकिता ने ऐसा किया था जब वो दिल में थी, विक्की दिमाग में था, तो वो जाके दिमाग के रूम में उसके साथ सोती थी। तो बिग बॉस ने जब मेरी बारी आई तो बिग बॉस ने मना कर दिया कि नहीं अलाउड। बेचारी अंकिता ने दिल से काम लिया ना, दिमाग से नहीं, दिमाग में जाके तो वो सो गई। ये दिल दिमाग धड़कन ये क्या है? हाँ ये क्या है? 3 मकान बनाए गए थे और उसमें मतलब 2 वीक के बाद तो वो हो गया था बिल्कुल कि अपना अपना खाना 3 मकान अलग अलग बनाएंगे, और टाइमिंग का सिस्टम था कि 3 घंटा मिलेगा,
तो 3 घंटे में आप लोगों को ऐसे मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीजें हुई है। खाना टेस्टी कौन बनाता है बिग बॉस के घर में? सच्ची बताओ। मैं बहुत अच्छा बनाती थी। और सबके लिए बनाती थी कि सिर्फ अपने? नहीं, मैं सिर्फ अपने मकान के लिए बनाती थी, जो मतलब जैसे मैं दिल के मकान में थी तो 6 लोगों का खाना मैं बनाती थी। मैं और अंकिता रोटियां बेलती थी और मैं सारी सब्जी दाल चावल और हम लोग सब बनाते थे वैसे। अच्छा, हम ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरे खाना ही तो बनाना है बिग बॉस में, लेकिन बिग बॉस में 14-15 लोग होते हैं यार, वो बहुत ज्यादा। अगर 15 लोग है, एक आदमी 3 रोटी खाता है, 45 रोटी हो गई। अरे 56-57 रोटियां बनती थी। कितनी अभी जब साथ में वापस से सब लोग आए तो कितनी रोटियां, 56 रोटियां। इतनी रोटी देखे बंदा पूछ लेता बारात आई नहीं ना अभी। और ऊपर से टाइम कम हमारे पास खाना बनाने का। अभी तो बीच में वो LED लगाती थी कि हमारे पास इतने ही घंटे, 12 घंटे। जो लास्ट वीक एलिमिनेशन हुआ था उसमें, क्योंकि वो बजर दबाना था और उसमें बिग बॉस ने बोला था कि जो भी बजर दबाएगा उसकी वजह से मतलब 27 घंटे में से 12 घंटे बचेंगे और जो भी पहले दबाएगा वो बच जाएगा एलिमिनेशन से। तो उसमें फिर अभिषेक ने दबाया था तो वो 12 घंटे हो गए थे। मतलब अभिषेक ने 4 लोगों ने दबाया था, उसमें अभिषेक जीता था। सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है? अरुण भाई और अनुराग। अनुराग ही खाता है? अनुराग बहुत खाता है। अरुण भाई और अनुराग, नहीं उसका बहुत, उसका एपेटाइट बहुत है अनुराग का। वो मेटाबॉलिज्म रेट हाई, वो दिखता है ऐसा है, पर बहुत खाता है, उसको बहुत भूख लगती है, उसको बहुत भूख लगती है। ओ यस, आयशा वाइल्ड कार्ड आई है और लास्ट टाइम OTT बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड ने आके मतलब तहलका मचा दिया था एलविश ने। ये वाइल्ड कार्ड आपको क्या लगता है, इसकी गेम कुछ लगेगी आगे? मेरी शक्ल से देखो क्या ये वाइल्ड कार्ड में आई आयशा एल्विश बन सके, जीत सकती? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि पहला दिन जब मैंने देखा था ना, इस बार कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा। ये लिख के बिग बॉस की दूर की बेटी ने कह दिया है कि इस बार नहीं जीतेगा जो पहले से कर रहे हो। की बेटी नहीं, मैं सौतेली बेटी हूँ बिग बॉस की। जाना चाहती है बदला लेने, इसको भेजो। बिग बॉस डांटते थे कभी? हाँ बहुत, मुझे तो क्या कर रही हैं आप ऐसा। हाँ, विक्की भैया को बहुत बड़ी डांट। यार ऐसा होता है ऐश्वर्या कि मैं घर में मतलब ये बोल दे कुछ ठीक है, लेकिन कोई आदमी आपको डांट रहा है इतने कैमरा ऐश्वर्या तो आपको ना चुप कर दूं। सलमान सर भी डांटते तो सुनना पड़ता है। ओके नहीं, सलमान खान सुन लो, बिग बॉस तो मैंने देखा ही नहीं शक्ल से कि मोटा अंकल है। नहीं बट उनकी आवाज, गॉड उनकी आवाज में कितना दम है, एकदम हेवी। और बीच में बिग बॉस अभी चुलबुले नहीं हो गए मस्ती करते? ईशा की कॉपी करते बिग बॉस। चिंटू तो क्या करने गया था चिंटू? बहुत ज्यादा करते बिग बॉस यार। चिंटू के इतने मीम्स हम देखते, चिंटू इतना कुछ कुछ जगहों पर इतना फनी लगता है मुझे। वो है उसका एक ऐसा स्टाइल है जैसे करता रहता है। क्या झाड़ता है उसको, क्या पता। एक तो उसको खुजली बहुत चलती है, तो मैंने तो क्या करता रहता, तो खुजाता क्यों रहता, तो बोलते मेरे को चुन्ने काट रहे। मतलब क्या, मतलब चुन्ने काट रहे, मतलब चुन्ने क्या होता है, मतलब कीड़े होते हैं ना वो चुन्ने काट रहे। तो भाई उसको नहलाना चाहिए वो चुन्ने हो, इस बार जाते कुछ करते हैं उधर चुन्ने के साथ। तो हाँ उसको बहुत खुजली होती है। और लड़कियों में ज्यादा कौन खाता? लड़कियों में ज्यादा कौन खाता है, कोई ऐसा है? रिंकू जी भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, रिंकू जी तो पुरानी मुझे ज्यादा खाती है। नहीं खाती है यार, ज्यादा नहीं खाती। सच में खाने की कमी होती है? खाने की कमी तो नहीं होती, खाना होता है, पर टाइम नहीं हुआ इस बार। वो जो सिस्टम बिग बॉस ने बनाया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आपको टाइम लिमिटेशन दिए किचन के लिए। यहाँ पे तो किचन ही बंद कर देते थे, हमारा गैस बंद होता था। तो हम लोगों ने लास्ट के जब मैं निकली वीकेंड से पहले, 2 दिन तो माइक्रोवेव में खाना खाया बना के हमने। हाँ, पूरे चावल बॉईल किए दो बार में। माइक्रोवेव भी छोटू सा है तो 2 बार में चावल बॉईल किए, फिर सारी सब्जियां काट के उसमें मसाला वसाला डाल के फिर सब्जियां उबाली, पकाई पूरी, उसके बाद चावल में मिक्स करके खाया हम लोगों ने। हाय रब्बा यार इतना प्रॉब्लम। हाँ क्योंकि वो गेम है और आपको नहीं खाना देंगे। क्योंकि एक चीज पता है कितने, अगर 1.5 घंटे में बन रही तो माइक्रोवेव में 4-4.5 घंटों में बनती है। वो बहुत ही टाइम टेकिंग है प्रोसेस। जब बिग बॉस खत्म हो जाएगा ऐश्वर्या, उसके बाद अगर फिर कोई शो आपको नील के साथ ऑफर हो तो करोगे आप? डेफिनेटली करोगे, बताए, क्योंकि वो शो लड़ाई वाला नहीं होगा, क्योंकि यही था बस, और किसमें झगड़ा होगा। नील के साथ काम करके अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, क्योंकि हम मिले साथ में ही तो काम कर रहे हैं जब से मिले। बट वो आप लोगों ने काम साथ में कितने साल, 2-3 साल से? तो 2.5 साल, मैंने 2.5 साल, हम दोनों ने 2.5 साल, हमारी तो शादी भी मई हुई तो फिर। हाँ, और मुझे एक बात आपकी शादी की याद आई, आपकी शादी में रेखा जी आई थी। हाँ रेखा जी आई, पूरा तैयार होके, ऐसे भी नहीं कभी निकल रहे थे कि उधर आई मैं आ जाऊँ,
प्रॉपर, क्योंकि मैम ने हमारा शो प्रमोट किया था गुमे किसी के प्यार में, और हम लोगों ने एक बार उनके लिए, उनका बर्थडे था तो हम सारे पूरे ग्रुप मतलब जितने भी को एक्टर्स थे सब ने उनके लिए वीडियो बना के भेजी थी, तो मैम ने एक बार कॉल किया और सबसे बात की पूरे शो में जितने भी लोग हैं सबसे, और सिर्फ नील के फ़ोन पे किया था उन्होंने, बिकॉज इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल पर्सन, वो किसी को नंबर नहीं देगा वैसा, सबसे बात की, सब लोग हम एक रूम में बैठ के तो एक एक करके सबसे बात कर रही थी मैम, और उनको एक एक कैरेक्टर पता है, सबसे बड़ी बात, शी नोज ईच एंड एवरीबडी, वो देखती हैं शो और सबकी तारीफें की उन्होंने, और फिर उसके बाद जस्ट एक इन्विटेशन दिया नील ने, मतलब मेरे मदर इन लॉ ने बोला, हम लोगों ने ये सोचा पता नहीं आएंगे कि नहीं, तो मम्मी ने बोला कि ट्राई करो एक बार भेज के तो देखो, आए ना आए कोई बात नहीं, बट भेजो तो सही कि शादी है, तो हमने सेंड किया तो उनका रिवर्ट आया कि शी इज़ कमिंग, और मैं तो मतलब मुझे तो सरप्राइज देना था उनको, तो बोले ऐश्वर्या को मत बोलना कि इट इज़ अ सरप्राइज फॉर नो, तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, देन शी केम, ओह गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और उन्होंने मुझे कांजीवरम साड़ी गिफ्ट की थी और गजरा वजरा, मैंने उनके पूरे कांजीवरम साड़ी पहन के उनके जैसे लुक करके फोटोशूट किया था, फोटोशूट नहीं मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में मैं पहना था मैंने। क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात है ये, पता रेखा जी यार लेजेंड, कितनी स्पेशल बात है, बहुत स्पेशल बात है, और बहुत बहुत हम्बल पर्सन, और वो इतनी वायरल हुई थी वो वीडियो, लोगों को पता ही नहीं चला कि, उनको लगा कि रेखा जी पक्का इनके मम्मी डैडी की कोई फ्रेंड होगी या दूर की रिश्तेदार, मैंने भी तो देखा, मैंने बोला अच्छा रेखा जी इनकी रिश्तेदार होगी, शी इज वेरी हम्बल बहुत, और जब भी बात करती ना इतने प्यार से बात करती है, और मैं उनको रेखा माई बोलती हूँ, मेरी ऑफनली उनसे बात होती रहती है कभी कभी, मतलब बहुत टाइम में होती है, पर शी इज अ वेरी स्वीट एंड वेरी जेन्युइन एंड वेरी हम्बल पर्सन। रेखा जी आप हमारे साथ पॉडकास्ट कब कर रही होंगी, प्लीज जब भी ये देखें तो आप हमारे साथ जरूर पॉडकास्ट करें, है ना, ताकि हम आपसे ऐश्वर्या की बात पूछें। यार हम डांस दीवाने में थे तब मैं प्रेग्नेंट थी, उनको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी मुझे और हर्ष के साथ, हमारे फोटो भी है, 10,000 रुपए दिए, हाँ सच में, हाँ शगुन के, और इतनी ब्लेसिंग दी, हम दोनों को इतना प्यार किया ना, आई लव यू रेखा जी, हम आपका हमेशा इंतजार करेंगे, आई लव यू रेखा मैम। बिग बॉस में वापस आते हैं, अगर आपके जो भी कंटेस्टेंट थे सहपाठी, उनमें से आपको अगर सबको कोई सजेशन देना हो, लाइक मुनव्वर, क्या सजेशन देना चाहेंगे? मुनव्वर को यही सजेशन देना चाहूंगी कि वो दूसरों के ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने की बजाय खुद पे ध्यान देता है ना, तो शायद आज वो बहुत अच्छा कर रहा होता, क्योंकि वो बस दूसरों को देखने में ही रह गया है कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, मुझे बोलते थे मेरी कोई गेम नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मुनव्वर को अकेले को पता था कि मैं बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट हूँ, इसीलिए मेरे को बार बार टारगेट कर रहा था, हर बार मुझे नॉमिनेट करता था वो, कुछ ना कुछ करके बहाना मार के, ठीक है तेरे में हिम्मत नहीं मेरे मुंह पे बोलने की, मुंह पे बोल के देख तो मैं बताती हूँ, और मैंने बोला था उसको ये चीज़ कि फ्रंट फुट पे खेल पहले, तब आएगा तू मेरे सामने। विक्की अंकिता को नहीं लड़े तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी उन दोनों का, कुछ मतलब ओवर द टॉप जा रही हैं चीज़ें, क्या क्या मतलब कुछ भी बातें कर रहे हैं फिलहाल, तो वो डिवोर्स की हाथ उठाना और ये सब, तो नहीं लड़े तो बेटर है। हाँ आई थिंक, क्योंकि अब क्या होता है ना कि पति पत्नी के कमरे के अंदर बहुत अगली फाइट्स होती है, लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तो सबके पास मुंह है, कमेंट में भी लोग, क्योंकि लोगों का तो काम ही है बोलना, वो तो बोले देखो ये कैसा है, क्योंकि मुझे भी बोला गया इसलिए आई नो कि ये इतनी बदतमीज लड़की है, फिर भी नील इसके साथ क्यों, नील को तो डिवोर्स ले लेना चाहिए, नील तो बेचारा फंस गया है, बहुत सुना है मैंने, बट ओनली नील नोस कि मैं कौन हूँ उसके लिए, क्योंकि आप वो 15 सेकंड देखकर किसी की जिंदगी को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, मैं वही कहती हूँ कि कमेंट लिखने से पहले या बोलने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए कि जो आप एक घंटे का टेलीकास्ट देखते हैं ना, वो 24 घंटे शूट होता है और फिर एक घंटा बनता है, तो सोचो क्या क्या कटता होगा और क्या दिखता होगा। जब हम फर्स्ट टाइम बिग बॉस के घर में आए अंदर, तब तक आप बहुत ज़्यादा वो लोगों को गुस्सा आ चुका था ऐश्वर्या पे कि नील के साथ ऐसा करती है, और कहीं ना कहीं मुझे भी यार ऐसा क्यों करे, लेकिन जब मैं घर के अंदर गई ना और मैं वापस आने के बाद हर्ष को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला हर्ष मुझे ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, क्या मैंने बोला था ना, मैं क्या हर्ष हम जिनको देख रहे लड़ते हुए चिल्लाती हुई ये करती हुई, मैं क्या मैं अंदर गई ना तो मुझे ना वाइब्स ही नहीं आई वो वाली, और ऐसा नहीं कि ऐश्वर्या आपसे नहीं, मुझे जिनकी भी लड़ाई ना मुनव्वर से किसी से नहीं आई, क्योंकि ये अंदर से सब बड़े अच्छे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि सब ऐसे हो जाते हैं, है ना। सो यार मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है बिग बॉस के घर में अंदर जाना, लेकिन लंबा नहीं,
ऐसा जाओ और एक घंटे में मचा के आ जाओ. हम जब आते हैं तो ऐश्वर्या कैसा लगता है? ऐसा बाहर से अच्छा लगता है वो, पता है एक एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिविटी आती है. ऐसा लगता है कि यार कैसे इन्हीं लोगों के साथ रहना, एंड देन सडनली यू गाइस कम और वो एकदम अच्छा माहौल हो जाता है और सब हंसते हैं, वो सब कुछ भुला के, झगड़े भुला के सब लोग हंसने लग जाते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव लगता है. yes. और आप लोगों के जाने के बाद भी हम बोलते हैं यार कितने फन है यार, कितना अच्छा लगता है, लोग आते हैं, रोज आए तो मजा आए. हम लोग ऐसे भी बातें करते थे, वो भी नहीं आया होगा. जैसे मैंने देखा है कि जब वीकेंड चला जाता है ना, फिर मंडे को ना टेढ़े नजर आते हैं सब, थोड़ा गुस्सा करते हुए, क्योंकि अभी नॉमिनेट करना होता है ना अपने, थोड़ा ऐसा. फिर वीकेंड तक आते थे ना, थोड़े नरम हो जाते, क्योंकि इसको पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा मुझे भी कि मुझे गाली पड़ेगी. तो ये सब होता है ना कि थोड़ा डरा डरा बंदा लगता है डर. हाँ हाँ बहुत. हम तो सब लोग यही सोच के बैठते हैं, डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी, तो एकदम सीरियस बैठते हैं सब. बट फिर किसी और कोई पढ़ते मतलब ओ अच्छा बच गए. पर ऐश्वर्या जिस दिन पूरा एपिसोड तुम पे था, तुमको पता था कि मेरा होगा आज? नहीं, जिस टाइम मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पड़ेगी भाई, उसी टाइम मुझे डांट पड़ेगी. जिस बार जब भी मैंने सोचा कि मुझे डांट पड़ेगी, उस बार कुछ नहीं हुआ. हम उसी दिन आए थे ना. जैसे जिस बात पे आपको डांट पड़ी है, मैंने उसी पे जोक्स लिखे होते हैं. और क्या होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार आदमी तो फन में ले लेगा, लेकिन यार जब एक आदमी आपको इतना डांट चुका इस बात पे, फिर मैं आके वे जोक करूंगा तो आदमी तो बोले. कुछ भी फील नहीं हुआ सच में, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं करती हूँ मीमी मीमी. मुझे पता है मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई भी कुछ भी बोलता नहीं, मीमी मीमी वो आदत है. ये वहां नहीं किया करती हो? हाँ घर में भी. हाँ अरे मैं तो हंसी आ गई थी मेरे फेरे के टाइम पे, बहुत हंसी हूँ मैं पता है. वो जब सुपारी वो फेरे लेते ना, सुपारी रखते हैं, रिमेम्बर? उस टाइम वैसा ही हुआ था कि नील और वचन पंडित ने बोला कि आप ये वचन लो कि मैं हमेशा अपने पति की बात मानूंगी और हमेशा उसका साथ दूंगी, उसका कहा मानूंगी और उससे कभी भी मुझोरी नहीं करूंगी, कुछ तो इस कॉन्टेक्स्ट में था. मैंने बोला ये मेरे से नहीं होगा. मेरे घर वाले भी हंसने लगे, बोले अरे यार ये तो गलत वचन दे दिया इसको. और सास ससुर ने रुमाल से ऐसे किया होगा, पसीना पोंछा होगा. लेकिन सब कैसे मस्ती वाले हैं फैमिली? बहुत फन है, बहुत फन है, बहुत मस्ती करते हैं. मेरी सासू माँ तो बड़ी चिल है, बहुत चिल है. गुजराती सासू में बड़ी चिल होती है वो, बहुत मतलब है ऐसी शांत. जब भी अब देखो नील है ना, वैसे ही शांति है, बट वेरी क्रिएटिव, शी इज़ एन आर्टिस्ट बहुत. हाँ हाँ वो पेंटिंग्स वगैरह करती थी, बहुत अच्छा करती है. और अभी भी मतलब घर पे हम लोग नहीं थे ना, तो कुछ ना कुछ उन्होंने नया नया करके रखा. मैंने अरे ये कब किया, तो उन्होंने सब चीज़ें बनाई है हाथ से और बहुत अच्छा. अरे वाह यार. शी लाइक्स टू स्टाइल मी ऑल्सो हाफ ऑफ द टाइम, बोले नहीं तो ये पहन इसमें अच्छी लगेगी. बहुत करती है. आप और नील अपने 10 साल बाद 15 साल बाद क्या देखते हैं? यार हम लोग ना काम करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा. मैं और नील का, हम दोनों का ऐसा है कि 24/7 हम बिजी रहें, बस बिजी रहना चाहते हैं. और बस फैमिली. मेरा बेबी आएगा पता नहीं कब. प्लीज कर लो ऐश्वर्या बेबी. बट पहले काम. हाँ काम सॉर्ट कर लो थोड़ा. अभी अभी मैं खुद बड़ी हो जाऊँ थोड़ी सी, उसके बाद. यार कल को बच्चा रोए बेचारा नील, पूरा घर डर जाए रात को बच्चा जैसे हम ले 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 नील कहेगा बच्चा दे मेरा. लेकिन वाकई ऐश्वर्या थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर बेबी प्लान करेंगे, उसके बाद ही. वो बहुत खूबसूरत चीज है दुनिया की. और हम नील को बड़ा सीरियस कहते हैं ना, लेकिन तब ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सीरियस होगी, क्योंकि जब माँ बन जाते हो ना तो आपको लगता है कि बस. और नील अगर ऐसा है तो वो तो डबल हो जाएगा सीरियस. मुझे तो डर है कि मेरे बच्चे भी मैं करते ऐसे ही मैं करता है. इस पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में नाम डालना चाहिए मैं. हमारे पास बिग बॉस वाली मैं आई. लेकिन हम तो मैं तो चाहती थी कि पति पत्नी साथ रहे. और मैं और अर्श कहते हैं कि आप जल्दी वापस जाओ यार अंदर. कसम से एंड वी जेन्युइनली लव आप कपल को. हम लोग बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू यार. सुपर पावर होते हैं आपको पता है. हस्बैंड वाइफ एक एक कम्युनिटी में काम करें ना, उससे बेटर तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है. आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि जिसका स्ट्रेस आपको घर के लिए, वही बंदा आपके साथ खड़ा है ना, तो हर चीज सॉर्ट हो जाती है. और ऐश्वर्या आपको शायद आपने अभी आप ताजी ताजी निकली, आपने बिग बॉस पूरा देखा, हर बार नील ने संभाला है, हर बार
पर मुझे ये समझ नहीं आता जब मैं संभालती हूँ तो क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग? वही तो स्टोरी दूसरे को ही काट दिया होगा। यही तो है कि भाई क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं नील को इतना प्यार कर रही पता नहीं क्यों नहीं दिखाते। मैं ही बदनाम हूँ बेचारी। एक चीज जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो कि बिग बॉस में आपका ये रूप नहीं देखा, आप क्या बताना चाहते हो? अरे मेरा फन साइड तो कुछ नहीं दिखाया बिग बॉस में, जो मेरा खतरों के खिलाड़ी में था। और मैं कितना मिमिक्री किया है सभी लोगों का घर में। हाँ बहुत, और बहुत मस्तियां करती थी मैं, बहुत मस्ती भी की है। तो अकेली ज्यादा मस्ती करती हूँ, इधर तो नील था। नहीं नहीं, नील के साथ तो मैं और ज्यादा मस्ती करती हूँ। मतलब नील हर जगह चाहिए। हर जगह चाहिए भाई, जहाँ ये पहली बार मिले वहाँ पे आग लग गई तो इनको साथ ही रखो, है ना। सो बिग बॉस जितने भी लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। हमने जैस्मिन से भी पूछा था और ऐश्वर्या से भी पूछा है ना। 100% होपफुली बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं, तो हम आपका कोई एक मैसेज है वो हम नील को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। नील को बस यही बोलना कि वो रोए नहीं और अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करे और ज़्यादा वोकल हो अपनी चीज़ों को लेके। मैं उसको बोल कर भी आई थी और पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अपना स्टैंड ले, बस वो चुप ना रहे घर में। और लास्ट में मामा मम कर दो और बुबू मैं। क्या बात है यार। दोस्तों ये थी ऐश्वर्या हमारे साथ स्ट्रेट आउट ऑफ अ बिग बॉस, और बहुत मजा आया हमने इनसे बात की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग LOL पॉडकास्ट और भारती टीवी।